सीधा ड्राइवर के ऊपर हमला किए। लोग सात आठ लोग थे, कम से कम सात आठ लोग मिलके मेरे भाई को मारे। हमारे भाईजान है, जवान भाईजान का इंतकाल हुआ है, मैं उनका साला हूँ जी। हमारी बहन विधवा हो गई है, छोटे छोटे तीन बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनका घर उजड़ गया, बाप गया, सर का साया चले गया है। तो हम ये यहाँ की सरकार से, डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी ये मांग है, जिन जिन लोगों ने उनको मारा है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको सजा हो। जो उन पे गुनाह दाखिल होता है, कार्रवाई के तरफ से गुनाह दाखिल हुआ जाए, ये हमारी सरकार से यहाँ की मांग है। कुछ मतलब इसमें क्लियर नहीं है, वो रिपोर्ट लाइब्रेरी भेजेंगे, उसकी तीन महीने बाद रिपोर्ट आएगी। तो हमारा पुलिस ये कहना था कि इसकी तीन महीने बाद जो रिपोर्ट आ रही है, तो जब तक वो जो आरोपी जिसपे हमको शक है या उसने शक किया, वो यकीन उसी ने कराया, क्योंकि ये एक्सीडेंट के बाद ही हमारा भाई मिसिंग हुआ। मतलब शिवाजी नगर काम करने और रहने वालों के लिए नहीं है, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके लिए, जो नशा क्रिमिनल लोगों के लिए हो गई है। तो या तो फिर जो है ना, मतलब शिवाजी महाराज का नाम खराब मत करो, इसका नाम बदल दो भाई, ठीक है, इसका नाम रख दो कुछ और, जो जो मतलब आपको लगे कि क्रिमिनल टाइप का है। शिवाजी महाराज का नाम खराब मत करो, इसका नाम बदल दो, और फिर उसके बाद जो मर्जी है करने दो। फिर यहाँ पर जुलूस के टाइम पे, मतलब बैगनवाड़ी सिग्नल से जब हम लोग का एक टेम्पू था, उसमें बच्चे लोग थे, 10-15 बच्चे थे, और ये मेरा बड़ा भाई था और रिजवान भाई था, और जो ड्राइवर था आफ्ताब, वो भी मेरा भाई था और मेरा अब्बा था उसमें। तो पीछे रिक्शे में और टेम्पू में कुछ आगे पीछे ट्रैफिक की होने की वजह से कुछ मतलब रिक्शे में लगा, टेम्पू लगी, तो वहां से उतर के उसने ड्राइवर जो आफ्ताब है मेरा भाई, उसको मारा, गाली दिया। फिर वहां से भी थोड़ा आगे बढ़े तो उसने फोन करके और लोगों को बुलाया कि यहाँ पे आ जा, किसी जगह हो गया है तो आ जाओ। तो वहां पे 5-6 लोग को और बुलाया, जिसमें एक का नाम है इप्पू, इरफान नाम है, उसको इप्पू उप्पू बोलते हैं वो पर्सनली। उससे तो यहाँ पे भी मतलब मेरी बातचीत हुई थी। जब मैं वहां पे पहुंचा, मेरे भाई ने मुझे 9:05 पे कॉल किया था कि भाई यहाँ पे झगड़ा हो गया, एक के डायग्नोस्टिक सेंटर है उसके आगे है बोला। तो जुलूस की पूरी गर्दी लगी हुई थी, मेरे पास जगह नहीं थी कि मैं जल्दी पहुंच पाऊँ, तो मैं गार्डन वाले रास्ते से जाके रिक्शा स्टैंड से आया। मैं वहां पे आने के बाद देख रहा हूँ वहां नहीं है, फिर फोन किया मैं, तो बोला हम लोग सलीम मिटानी के यहाँ तक के पहुंच गए। मैं वहां जाके देख रहा हूँ तो आफ्ताब मेरा भाई जो ड्राइवर है और रिक्शे वाला ड्राइवर और इप्पू जो झगड़े में था वो मारा है, मेरे अब्बा के ऊपर भी हाथ उठाया था उसने, वो बीट के अंदर था, मैं भी बीट के अंदर गया, उसको चिल्लाया, बहस हुई, तो मेरे को पुलिस वाले ने बाहर करके दरवाजा बंद कर दिया। ये तीन को मतलब आरोपी बनाया था वहां पे। फिर उसके बाद में वो उन लोग बोले कि हम लोग माडा चौकी भेज रहे हैं, तुम लोग वहां पे चले जाओ। तो जब माडा चौकी हम लोग आए तो यहाँ पे जो ड्राइवर था रिक्शे वाला वो और मेरा भाई आफ्ताब वो अंदर थे, और इप्पू जो था वो बाहर घूम रहा था, मतलब पानी पी रहा है, चाय पी रहा है, और मुझे यहाँ पे धमकी दे रहा है कि मेरी हिस्ट्री तेरे को नहीं मालूम है, मेरे पहचान वाले कितने तेरे को नहीं मालूम है, तेरे को इसी रातों रात उठवा लेते हम लोग, मेरे को चौकी के अंदर धमकी दे रहा वो। ये रिपोर्ट आई है। उसके बाद से जो मेरा रिजवान भाई था, हम लोग कैसा पैदल थे, तो हम लोग कैसा चौकी आ गए थे, हम लोग ध्यान में नहीं गया कि रिजवान भाई किधर है। अब उसके बाद से ना रिजवान भाई ना मिसिंग हो गया, हम लोग फोन करें ना तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है, और फिर ना बहुत टाइम तक कॉल करे तो उसका कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। फिर 12:30 हम लोग को मालूम पड़ा कि मतलब कि चौक जो पुलिस वाले का जो वैन था उसमें मतलब एक बेहोश हुआ, मतलब कोई मिला है। तो मैं शिवाजी नगर सिग्नल पे उसको मैं रोका, वो गाड़ी को अंदर देखा तो उसमें मेरा भाई था। फिर हॉस्पिटल राजावाड़ी लेके गए तो वहां पे वो डेथ बताया कि मतलब हो चुकी है इसकी। पुलिस ने आश्वासन तो अभी तो समझ लो अभी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मतलब जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है अभी उसमें तो मतलब डाउट ऐसा, मतलब डेट ऑफ जो है मतलब क्लियर नहीं आया है,
कि कार्डिया के क्या है कुछ मतलब इसमें क्लियर नहीं है, वो रिपोर्ट लाइब्रेरी भेजेंगे, उसकी 3 महीने बाद रिपोर्ट आएगी। तो हमारा पुलिस ये कहना था कि इसकी 3 महीने बाद जो रिपोर्ट आ रही है, तो जब तक वो जो आरोपी जिसपे हमको शक है या उसने शक किया, यकीन उसी ने कराया, क्योंकि ये एक्सीडेंट के बाद ही हमारा भाई मिसिंग हुआ और वो आधे घंटे के अंदर पूरा मतलब ये चीज हुआ, वो आधे घंटे के बाद एक्सीडेंट के बाद ही मतलब वो मिसिंग हुआ था। अब पुलिस हमें आश्वासन दे रही है कि मतलब एक लेटर लेके और वो एक फास्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब वो लेटर डालेगी। ये मेरे खास दोस्त हैं, हमारे स्कूल के साथी हैं, और सिचुएशन ये है कि वो जो है ना रिजवान भाई जो है ना, वो एक तरह से हमारे टीचर भी, हमारे दोस्त भी, हमारे बड़े भाई भी हैं। अब उनका जाना जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। अब कोई भी अपना जाता है ना भाई, तो गम होता है, तकलीफ होती है, और वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। यहाँ पर हम खाली एक उम्मीद कर रहे हैं पुलिस से, और जो है ना मतलब जो जिनके हाथ में लॉ है, कि उसको स्विफ्ट तरीके से आगे लेके जाके उसको जो है एक अच्छे जो है ना मतलब जो सही है उसको सही जो है ना सही रहे, और जो गलत है उसको सजा मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जो है ना बस खाली हाँ चल रहा है, क्योंकि क्या है ना बैकग्राउंड में कुछ अलग ही चल रहा है। वो जो है ना मतलब जो धमकी दे रहा है वो अलग ही कहानी धमकी दे रहा है, वो किसी और का नाम ले रहा है जिस नाम का जो है ना हमको पता भी नहीं था आज तक कि मतलब कौन है इरफान करके जो है ना वो 14 नंबर 15 नंबर पे रहता है। अभी सिचुएशन ऐसी होगी शिवाजीनगर में कि मतलब जो है ना जो 4-5 जो है ना हिस्ट्री खाते हैं उसके बाद जो है ना बड़े बड़े तोप बन जाते हैं, थोड़ा सा जो है ना मतलब अलग ही कहानी करने लगते हैं, उनके अंडर में जो है ना 40-50 छोकरे हो जाते हैं। तो गुंडागर्दी के चक्कर में जो है ना मतलब जो है ना हमारा भाई चला गया। हमको तो अपना धंधा करने का, छोटा मोटा जो काम कर रहे हैं वो काम करने का, उसके बाद अपना पेट पालना है। यहाँ पे तो अलग ही कहानी चल रही है, मतलब हम लोग किस तरह से सेफ फील करेंगे। ये लोग तो मेहनत कर रहे हैं अपनी, लेकिन उसके अलावा क्या हो रहा है कि मतलब हम लोग थोड़ा सा और सेफ फील करें और हमारा भाई जो चला गया है उसको इंसाफ मिले। तो हम खाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो पावर है नहीं, पावर जिनके पास है वो तो जो है ना मतलब पुलिस स्टेशन में धमकी देके जा रहे हैं। तो हमारे पास तो कोई आंसर भी नहीं, हम लोग क्या ही कर सकते हैं उसमें, ऐसा सिचुएशन है हमारे लिए। सरकार से क्या है जो है ना मतलब थोड़ा सा जो यहाँ पर जो नशा चल रहा है वो, उसके अलावा जो गुंडागिरी चल रही है वो थोड़ा जो है ना मतलब प्रॉपर ध्यान से जो है ना इसका जो है ना सफाया करे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अब ऐसा लग रहा है कि मतलब शिवाजी नगर काम करने और रहने वालों के लिए नहीं है, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके लिए, जो नशा क्रिमिनल लोगों के लिए हो गई है। तो या तो फिर जो है ना मतलब शिवाजी महाराज का नाम खराब मत करो, इसका नाम बदल दो भाई, ठीक है, इसका नाम रख दो कुछ और जो जो मतलब आपको लगे क्रिमिनल टाइप का है। शिवाजी महाराज का नाम खराब मत करो, इसका नाम बदल दो, और फिर उसके बाद जो मर्जी है करने दो फिर यहाँ पर। और ऐसा भी लगता है कि मतलब जो है ना ये थोड़ा सा जो है ना मुस्लिम मेजोरिटी एरिया हो गया तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, ये भी हम ऐसा लगने लगा अभी हम लोगों को, जो कि होना नहीं चाहिए। हमारी जगह यहाँ पे पैदा हुआ है, यहीं पे जो है ना हमको चला जाना है। हम लोगों का वैसा नहीं है कि आज यहाँ जा रहे कल वहां जा रहे, उतने बड़े नहीं हो गए हम लोग, तो हमको यहीं रहना है, हमको ये सेफ चाहिए वापस से। एक जमाना था कि मतलब जो है ना रात को बैठो तो किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि हाँ ठीक है मतलब जो है ना बैठे हुए हैं, अब तो जो है ना उल्टा हो गया है, सेफ्टी के रही नहीं गई है। भाई को जो है ना मतलब अभी सोचो ना कि 9:30 बजे जो है ना मतलब रास्ते पे जो है ना चलते हुए झगड़े हो रहे हैं। कुछ दिन पहले जो है ना एक और जो है ना मतलब अभी वो तो काफी बड़ा बना था वो, लेकिन कैसा है ना कि उसके बाद भी क्या एक्शन लिया गया है समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद भी रिक्शे वाले जो है ना गैंग बना के लोगों को मार रहे पीट रहे हैं। सर कैसा है ना कि हर छोटा मोटा नेता जो है ना अपने आप को तुरम बन के जो है ना वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता वो उसके मन की बात हो जाती है। वो 4 आदमी को जमा कर लिया तो अपने आप को नेता ही मान ले रहा है। रिजवान अली का मैं भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, जो कुछ हुआ वो मेरे सामने हुआ है। वो जो ऑटो वाला रिक्शा वाला था, आसिफ नाम है उसका, काफी देर से हाँ वो सब क्रिमिनल लोग हैं, और काफी टाइम से बैंगनवाड़ी सिंगल के ऊपर जो है ना गाड़ी ऊपर थी, वो हमारी टेम्पो के एकदम वो टच कर रहा था। मैं उतर के उस टेम्पो वाले को बोला भाई गाड़ी थोड़ा पीछे ले लो आप, वरना गाड़ी टच हो जाएगी तो आपका नुकसान होगा। तो उसने क्या कहा कि वो मेरी गाड़ी इधरी से जाएगी, उसने ये बोला मेरी गाड़ी इधरी से जाएगी, तुमको जो करने का वो करो। मैंने बोला ठीक है भाई। फिर एक गाड़ी थोड़ा से मतलब आगे बढ़ी तो अपने को एक जगह मिला, तो हम लोग सोचे कि इसमें लेप ले लेंगे, रिक्शा पीछे आ जाएगा। तो हम लोग ने लेप लिए और उसके वो भी मतलब लेप लिया, तो उसकी गाड़ी में थोड़ा सा खरोच आ गया, उसकी वजह से उसने हाथापाई किया, मेरे भाई को मारा अब को, और थे उन लोग भी उतर के गंदे लगे वो को आफ्ताब को, और गाड़ी के कांच पे उन लोग ने अपनी चूड़िया वगैरह तोड़ के नंगी नंगी गाली दी। फिर ये होने के बाद में उधर की पब्लिक जुलूस का टाइम था, पब्लिक ने छुड़ाई,
फिर थोड़ा आगे बढ़े, उसके बाद में वो रिक्शे वाले ने फिर फोन किया, बोला कि इधर पे मचमचे करने का है, 8-10 लड़के लोग को बुलाया, जिसका नाम इरफान टिप्पू करके है, उसने आया, बोला कि इसको तो वो जब आया तो रिक्शे वाले से पूछता कौन था वो, तो उसने बोला वो आगे ड्राइवर है वो है, तो बोला इसको रातों रात उठाएंगे आप, मेरे को मालूम पड़ गया ये कौन है, इसको रातों रात उठाएंगे मैं बताता हूँ। तो इतने में सबको बुला के सीधा ड्राइवर के ऊपर हमला किए, लोग 7-8 लोग थे कम से कम, 7-8 लोग मिलके मेरे भाई को मारे, और पहले तो आया इसने मेरे पापा को मारा, मेरे अब्बा को मारा जो इप्पू करके इरफान करके, तो वो सीधा जमीन पे गिर गए। वो बचाने के लिए हमारे ये जो है रिजवान भाई बचाने के हिसाब से आए कि मेरे बाप को क्यों मारा, वो हिसाब से उसमें एकदम अफरा तफरी का वो माहौल हो गया, फिर वो उसमें रिजवान भाई को भी हमारे मार लग गया बचाने के चक्कर में, फिर वहाँ की पुलिस आई, फिर पुलिस जो है वो अपना छोटी चौकी जो है उसमें लेके गई, लेने के लेके जाने के बाद में थोड़ा 10-15 वो नशे में तो था, वो शकल से ही दिख रहा था हमको नशे में था, और फिर उसको चौकी में लेके जाने के बाद 10 से 15 मिनट उसको रख के हमारे आफ्ताब भाई को लिए अंदर, और ये रिक्शा वाले को लिए अंदर, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद उन्होंने बोला कि ये महाड़ा चौकी जाएंगे इनको लेके, आफ्ताब को वो रिक्शे वाले ड्राइवर को आसिफ नाम है जो, तो ठीक है, तो आफ्ताब को मतलब सीनियर ऑफिसर आके उनको बाइक पे लेके गए। लेके जाने के बाद में अभी हम लोग को बोले कि आप लोग डायरेक्ट महाड़ा चौकी, ये मुझे धमकी दे रहा है, ये जानता तू, ये आके धमकी दे रहा था, नाम लेता है बड़े बड़े लोग का नाम लेता है, नेताओं लोग का नाम लेता है, और पान पता नहीं किस किस का बंदा रातों रात उठा लूंगा मैं, उसका नाम लेके बड़ा डरा रहा था, ये रिपोर्ट के हिसाब से ना जो बोल रहे हार्ड मगर वो क्लियर, हाँ पेंडिंग है, उसने कहा कि हमारे भाईजान है रिजवान भाई जिनका इंतकाल हुआ है, मैं उनका साला हूँ जी, हमारी बहन विधवा हो गई है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनका घर उजड़ गया, बाप गया, सर का साया चले गया है, तो हम ये यहाँ की सरकार से डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी ये मांग है जिन जिन लोगों ने उनको मारा है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको सजा हो, जो उन पे गुनाह दाखिल होता है कार्रवाई के तहत गुनाह दाखिल हुआ जाए, ये हमारी सरकार से यहाँ की मांग है, और आप लोग इसके लिए इसको हमारा जो न्यूज चैनल है इसको आगे बढ़ा के इसको फॉलोअप कीजिए, इनको जल्द से जल्द अरेस्ट कर दीजिए, जितने लोग बाहर हैं और 2 लोग अंदर हैं, बाकी लोग बाहर हैं, जिन लोगों ने मिलकर मारा है हमारे भाईजान को मार दिए, मारने के बाद जब वो बाहर आए हैं तो जो वीडियो में आ रहा सीसीटीवी कैमरा, जो ऐसा हाथ पकड़ के बैठे हैं, मारने वाला वीडियो अभी तक डिपार्टमेंट को मिला नहीं है, वो रिक्वेस्ट है कि वो डिपार्टमेंट वो वीडियो को फॉलोअप करे, वो वीडियो उन तक आए, और इसको जितने भी ये किया है उनके साथ कार्रवाई हुई, हमारी यही मांग है, हमारी बहन की तो दुनिया उजड़ गई है, बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हमारे पे पहाड़ टूट चुका है, तो ये बहुत रिक्वेस्ट होगा आप लोग से, यहाँ की डिपार्टमेंट और यहाँ की सरकार, ये हमारी उनसे ये मांग है, इतना कीजिए आप लोग।